नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट वायर है और आपको आर डिस्टेंस पे बी निकालना है, वो सबको पता है क्या है इसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। क्यों, हमने कैसे निकाली थी, बाय सेवेट्स लॉ थे, कैसे, वो लंबी सी डेरिवेशन थी, स्पेशल केस था, लंबा काम था। ये एम्पियर सर्किट लॉ सेम काम करेगा दो लाइन में, कैसे, आपको जहां बी निकालना है वहां से क्लोज पाथ पास कर दो, तो ये लाइन जा रही है करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट, यहां पे आपको बी निकालना है तो यहां से एक क्लोज्ड पाथ पास कर दो, तो ये इमेजिनरी पाथ है। पॉइंट नंबर वन क्लियर है, तो इसमें बी और डीएल एक डायरेक्शन में, तो इसका बी डॉट डीएल क्या होगा, बी इंटू डीएल इंटू एंगल बिटवीन बी एंड डीएल क्या है, जीरो, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो पूरे क्लोज पाथ का रेडियस अगर आर है तो लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर, तो क्या होगा, बी इंटू 2 पाई आर, ये क्लियर है यहां तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल रिंग की क्या होगी, बी इंटू 2 पाई आर। और एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि बी डॉट डीएल क्या होगा, म्यू नॉट इंटू कितना करंट इस क्लोज पाथ में से पास कर गया, अब सीधा करंट है, स्ट्रेट वायर है, गोल गोल तो घूमी नहीं वायर, तो कितना करंट पास कर गया, आए, तो म्यू नॉट इंटू आए, इन दोनों को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके ये टर्म आ गई, तो बी की जो वैल्यू आई वो ये बी की वैल्यू आ गई सॉल्व करके, तो बी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2 इंटू 2 4 इंटू 2 आई डिवाइडेड बाय आर, आंसर सेम आ गया। तो मैंने क्या बोला था, दो लाइन का काम है एम्पियर सर्किट लॉ, जो बायट सर्किट लॉ इतना लंबा किया वो इनफाइनाइट वायर का एम्पियर सर्किट लॉ ने दो लाइन में खत्म कर दिया। इनमें से एक एप्लीकेशन पक्का आएगी और ये बहुत आती है, सोलेनोइड भी बहुत आता है, ये भी आती है, जिसके अंदर आपको बी इनफाइनाइट वायर का निकालना होता है, आप चाहे बायट सर्किट लॉ से निकालें चाहे इससे निकालें, एक ही बात है, अगर मेंशन किया बाय यूजिंग ACL फिर तो यही करना पड़ेगा, अगर कुछ मेंशन नहीं किया फिर जो मर्जी कर दो। क्लियर है यहाँ तक?